घर घर में देखे जाने वाले टीवी सीरियल सीआईडी को लेकर दिल तोड़ देने वाली खबर आई है। भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय तक चलने वाले शो के एक्टर से लोगों का पारिवारिक रिश्ता बन गया था। सीआईडी में इंस्पेक्टर फेड्रिक्स की भूमिका निभाने वाले एक्टर दिनेश फडणवीस अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। दिनेश को हार्ट अटैक आया है। उन्हें आनन फानन में मुंबई के तुंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दिनेश फडणवीस वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। दिनेश शो की तरह ही असल जिंदगी में बहुत खुश मिजाज रहते हैं। वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अब उनके हार्ट अटैक की खबर से हर कोई शॉक रह गया है। फैंस उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। सीरियल सीआईडी की पूरी कास्ट और क्रू उनका हालचाल लेने के लिए अस्पताल आई थी। दिनेश की बात करें तो उन्होंने साल 1998 से लेकर साल 2018 तक सीआईडी में फेडरिक का किरदार निभाया था। उनके किरदारों को लोगों ने बहुत पसंद किया। उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी एक छोटा सा रोल किया था। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में कैमियो भी किया है। सीआईडी के अलावा दिनेश आमिर खान के साथ सरफरोश और ऋतिक रोशन के साथ सुपर 30 का भी हिस्सा रहे हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिनेश जल्द से जल्द ठीक हो जाएं।